टू माई चैनल टेक जिनी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं कोई पर्टिकुलर स्मार्टफोन या गैजेट के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ, बट आज का इस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे हम देखेंगे कि अप्रैल 2019 में इंडिया में कौन से स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। अगर हम लोग फर्स्ट 3 मंथ्स देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो काफ़ी ज़्यादा इवेंटफुल रहे ये तीनों मंथ्स। सैमसंग को लेकर बात करें तो ये सैमसंग का लेटेस्ट एस सीरीज स्मार्टफोन जो कि है सैमसंग गैलेक्सी S10 लॉन्च हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार स्मार्टफोन है। उसके अनबॉक्सिंग को लेकर, उसके रिव्यूज़ को लेकर मैंने वीडियो भी किया है, तो वो जरूर देखेगा। इसके अलावा सैमसंग ने ए सीरीज को लेके भी काफी ज्यादा अच्छे स्मार्टफोन्स लॉन्च किए, इन दैट केस सैमसंग गैलेक्सी A50 बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर प्राइस सेगमेंट। बात करते हैं हम दूसरे स्मार्टफोन के बारे में, तो हाउ कैन वी फॉरगेट Xiaomi। Xiaomi का रेडमी नोट 7 प्रो फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है, द सुपर अमेजिंग स्मार्टफोन, जहाँ पे भर 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 के सारे फीचर्स स्पेसिफिकेशंस दे दिए हैं। उसके अलावा बात करते हैं वीवो के बारे में, तो यस, वीवो ने अगेन पॉपअप सेल्फी कैमरा वाला एक स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि अभी अप्रैल मंथ में इंडिया में कौन से स्मार्टफोन्स लॉन्च होने वाले हैं। ऑफ कोर्स इसमें वो स्मार्टफोन्स भी इंक्लूडेड है जो जिसके ग्लोबल लॉन्च हो चुके हैं। बट अब शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। एंड जो फ्रेंड्स जिन्होंने ऑलरेडी मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, एंड आशा है कि आप सब ये वीडियो एंड तक देखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है अप्रैल 2019 में, एंड यस, कैसा रहेगा ये मंथ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम चालू करते हैं ओप्पो से। तो ओप्पो ने अभी रिसेंटली अपना एक नया सब ब्रांड अनाउंस किया है जो कि है ओप्पो रेनो, एंड ये स्मार्टफोन को लेके मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लीक्स एंड रूमर्स आ ही रहे हैं। ऐसा कहा भी गया है कि रेनो ब्रांड के अंदर 10th अप्रैल को फर्स्ट एवर स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है, जिसके स्पेसिफिकेशंस कुछ इस तरह है कि स्मार्टफोन में 6.4 इंचेस का स्क्रीन हो सकता है, आपको AMOLED डिस्प्ले पैनल भी मिलेगा, साथ में स्मार्टफोन में 4000 mAh की मैसिव बैटरी लाइफ मिलेगी, यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलता है। इसके अलावा यह स्मार्टफोन में ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप दिया गया है, जहाँ पे उसका प्राइमरी कैमरा हो सकता है 48 मेगापिक्सल सेंसर्स का। एंड सेल्फी कैमरा के बारे में बात करते हैं, तो यह स्मार्टफोन का फ्रंट कैमरा संभवतः 16 मेगापिक्सल का हो सकता है। इसके अलावा OS को लेकर बात करें तो डेफिनेटली यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड 9.5 पे चलेगा। रैम एंड इंटरनल स्टोरेज को लेकर बात करें तो ये स्मार्टफोन में 6GB 8GB रैम वेरियंट्स हो सकते हैं विथ 128GB 256GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। एंड साथ में अगर प्रोसेसर के बारे में बात करें तो ऐसा कहा गया है कि स्मार्टफोन के दो डिफरेंट वेरियंट्स रहेंगे, एक है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 710 चिपसेट वाला, एंड दूसरा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट वाला। ओवरऑल अगर हम लोग ओप्पो रेनो के फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस को देखें तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एक लो बजट स्मार्टफोन रहेगा। डेफिनेटली ये स्मार्टफोन एक हायर प्राइस रेंज के साथ आएगा, तो कहीं ना कहीं ये स्मार्टफोन का प्राइस 25,000 या 30,000 के आसपास रहेगा। 10th अप्रैल को ये स्मार्टफोन चाइना में ऑफिशियल होने वाला है, एंड विद इन 1 वीक या 10 डेज स्मार्टफोन्स इंडिया में भी ऑफिशियल हो जाएगा, तो समवेयर अराउंड अप्रैल 3rd वीक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ओप्पो रेनो इंडिया में लॉन्च हो जाए। बट फिलहाल ये जो भी स्पेसिफिकेशंस बोले हैं, दीज आर टेंटेटिव स्पेसिफिकेशंस, तो यस, वी हैव टू वेट जब ये स्मार्टफोन ऑफिशियल हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दूसरे स्मार्टफोन के बारे में। एंड गेस व्हाट, दूसरा स्मार्टफोन भी अगेन ओप्पो कंपनी का ही निकला, बट सब ब्रांड डेफिनेटली अलग है। रेनो के बारे में बात नहीं कर रहे, बट अब हम बात कर रहे हैं रियलमी के बारे में। कुछ ही वीक्स पहले रियलमी 3 ऑफकोर्स इंडिया में ऑफिशियल हो चुका है, एकदम बजट प्राइस कैटेगरी में लॉन्च किया है, जिसका प्राइस है 8,999 विच इज ऑलमोस्ट 9,000। वहाँ पे आपको मीडिया टेक प्रोसेसर दिया गया है। बट अब बात करते हैं ओप्पो रियलमी 3 प्रो के बारे में। ओप्पो रियलमी 3 के लॉन्च टाइम के बाद कंपनी ने क्लियरली कहा था द बेस्ट इज येट टू कम, तो डेफिनेटली ओप्पो रियलमी 3 प्रो में ऐसा हो सकता है। ओप्पो रियलमी 2 प्रो के बारे में बात करें तो वो स्मार्टफोन इंडिया में ह्यूज सक्सेस रहा था, वाई नॉट, बिकॉज वो स्मार्टफोन डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। अब अगेन हम बात करते हैं ओप्पो रियलमी 3 प्रो के बारे में, तो यस, स्मार्टफोन्स को लेके इतने कुछ मार्केट में रिविलेशंस नहीं है। 2-3 रिविलेशंस है कि यस, ये स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर हो सकता है, विच इज़ येट टू बी कन्फर्म्ड। उसके अलावा कंपनी ने एक बात तो कन्फर्म की है कि ये स्मार्टफोन के रेयर पैनल में 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर्स होने वाला है। इसके अलावा हम डेफिनेटली एक्सपेक्ट करेंगे कि ये स्मार्टफोन में हमको USB टाइप सी पोर्ट मिले एंड फास्ट चार्जिंग भी मिले। अब तक ओप्पो ने कोई भी अपने स्मार्टफोन्स में ये दो फीचर्स नहीं डाले, तो डेफिनेटली वी एक्सपेक्ट कि रियलमी 3 प्रो में हमको ये फीचर मिले। एंड ऑफकोर्स रियलमी 3 प्रो जब भी लॉन्च होगा तो रियलमी 2 प्रो के प्राइसिंग के अगेंस्ट ही लॉन्च होगा। 15,000 to 20,000 के अंदर ये स्मार्टफोन का प्राइस सेट किया गया, एंड डिफरेंट रैम एंड इंटरनल स्टोरेज वेरियंट्स भी रहेंगे, 6GB रहेगा, 8GB रहेगा, 128GB 256GB रैम वेरियंट्स भी रहेंगे। बट यस, स्मार्टफोन्स को लेकर फिलहाल कोई ज़्यादा लीक्स रूमर्स मार्केट में नहीं आ चुके हैं, बट डेफिनेटली ऐसा कहा गया है कि स्मार्टफोन समवेयर इन अप्रैल 2019 इंडिया में लॉन्च हो जाएगा।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं जो कि है हुआवे कंपनी का। एंड येस, दैट इज़ हुआवे P30 एंड हुआवे P30 Pro। हुआवे के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स का अभी ग्लोबल लॉन्च हो चुका है एंड कहा गया है कि ये स्मार्टफोन अभी अप्रैल 2019 में इंडिया में ऑफिशियल हो जाएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज ऑलरेडी ये स्मार्टफोन अमेजोन इंडियन वेबसाइट पर लिस्टेड है, जहाँ पर नोटिफाई मी का बटन भी दिया गया है। ये दोनों स्मार्टफोन की सबसे बड़ी हाईलाइट यह है कि ये दोनों स्मार्टफोन IP68 सर्टिफाइड है, जो कि है वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है। इसके अलावा हुआवे P30 में ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप दिया गया है, जहाँ पे हुआवे P30 Pro में 4 कैमरास दिए गए हैं द बैक पैनल में। ऑलमोस्ट दोनों के स्पेसिफिकेशन सेम है। मेजर डिफरेंस हुआवे P30 Pro में ये है कि यहाँ पे टाइम ऑफ फील्ड कैमरा सेंसर दिया गया है, जो हुआवे P30 में नहीं है। बैटरी को लेके भी बात करें तो हुआवे P30 में 3650 mAh की बैटरी है, जबकि हुआवे P30 Pro में 4200 mAh की बैटरी है। दोनों स्मार्टफोन्स एंड्रॉयड 9 पाई पे रन करते हैं। हुआवे P30 Pro के बारे में बात करें तो वहाँ पे आपको 6.1 इंचेस का स्क्रीन मिलता है विद OLED डिस्प्ले, जबकि हुआवे P30 Pro में ऑलमोस्ट 6.47 इंचेस का स्क्रीन मिलता है एंड वहाँ पे भी आपको OLED डिस्प्ले पैनल ही मिलता है। एंड अगर हम लोग प्रोसेसर के बारे में बात करें तो ये दोनों स्मार्टफोन में हाई सिलिकॉन किरिन 980 का चिपसेट दिया गया है। तो ये थी बात हुआवे P30 एंड हुआवे P30 Pro के बारे में, जब भी ये स्मार्टफोन अब भी जल्दी ही इंडिया में लॉन्च हो जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स के बारे में बात करेंगे एंड वो है सैमसंग कंपनी के। तो यस फ्रेंड्स, मैं स्टार्टिंग बिगनिंग ऑफ द ईयर से कह रही हूँ कि सैमसंग ए सीरीज़ के बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन्स मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं एंड हम लोगों ने काफ़ी सारे ए सीरीज स्मार्टफोन भी देखे हैं। एंड इन बिटवीन सैमसंग अगेन अपने दो नए ए सीरीज स्मार्टफोन्स ऑफिशियल करने वाली है, जो कि है A90 एंड A40। सैमसंग April 10th में दो इवेंट्स लॉन्च करने वाली है, ये एक बैंकॉक में साउथ पोलो में, जहाँ पे ये दोनों स्मार्टफोन्स अनवील होंगे। सबसे पहले A90 को लेके हम बात करें तो उसके लेके कुछ भी ज़्यादा फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस मार्केट में नहीं आए हैं। इतना ही है कि स्मार्टफोन में H2H डिस्प्ले दिया जाएगा, कहीं पे भी कोई भी टाइप का नॉच नहीं दिया जाएगा, ना कि ट्रेडिशनल नॉच, ना कि यू शेप नॉच, वी शेप नॉच, ना कि पंच होल। ये दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो यस, ये सैमसंग का फर्स्ट एवर स्मार्टफोन हो सकता है जहाँ पे पॉपअप सेल्फी कैमरा दिया जाएगा। एंड इसके अलावा प्रोसेसर को लेके हम बात करें तो ये स्मार्टफोन में Exynos 9710 का चिपसेट हो सकता है। तो ये तो बात थी सैमसंग गैलेक्सी A90 के बारे में। अब हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी A40 के बारे में। तो आउट ऑफ ऑल द ए सीरीज स्मार्टफोन, ये एक कॉम्पैक्ट सा स्मार्टफोन रहने वाला है, जिसमें आपको 5.9 इंचेस का स्क्रीन मिलेगा। इसके अलावा ये स्मार्टफोन में आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप भी मिलेगा। एंड प्रोसेसर के बारे में बात करें तो ये स्मार्टफोन में Exynos 7885 का चिपसेट रहेगा। एंड साथ में अगर रैम एंड इंटरनल स्टोरेज के मामले में बात करें तो ये स्मार्टफोन में 4GB रैम के साथ 64GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज भी मिल सकता है। एंड साथ में ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 9 पाई पे ही रन करेगा, बट ऑफकोर्स सैमसंग ने अपना नया एक्सपीरियंस जो है वन यू आई है उसका लेयर भी रह सकता है ये स्मार्टफोन में। तो ये थे कुछ इनसाइट सैमसंग के दो अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है सैमसंग गैलेक्सी A90 एंड N40। तो डेफिनेटली जल्दी ये स्मार्टफोन अभी इंडिया में ऑफिशियल होने वाला है। ऑफकोर्स वी आर स्टिल वेटिंग फॉर सैमसंग गैलेक्सी A60 एंड A70 की ये स्मार्टफोन्स भी इंडिया में ऑफिशियल हो जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं Xiaomi के बारे में। तो ये Xiaomi भी अपना एक नया स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाली है, वो कौन सा है? तो वो है Xiaomi Redmi 7। हम लोग ने देखा कि Redmi Note 7 तो फाइनली इंडिया में लॉन्च हो चुका है, बट अब बात करते हैं Redmi 7 के बारे में। ये स्मार्टफोन चाइना में ऑफिशियल हो चुका है, तो यस डेफिनेटली अभी जल्दी ही ये मंथ में इंडिया में भी ऑफिशियल हो जाएगा। सुपर लो बजट स्मार्टफोन, जिसका बजट समवेयर अराउंड 7000 रहेगा। इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करें तो यस, ये स्मार्टफोन में Qualcomm Snapdragon 632 का चिपसेट हो सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं स्मार्टफोन के स्क्रीन साइज के बारे में, तो यहाँ पे 6.3 इंचेस का स्क्रीन रह सकता है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन में 4000 mAh की बैटरी मिल सकती है। ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 9 पाई पे ही रन करेगा एंड ऑफकोर्स साथ में स्मार्टफोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा। तो फिलहाल ये है Xiaomi के लो बजट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है Redmi 7। एंड यस, ये स्मार्टफोन जल्दी ही मिड अप्रैल तक इंडिया में ऑफिशियल हो जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो के हम लेटेस्ट स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे एंड वो है Xiaomi का MIA3। तो फ्रेंड्स, अगर हम लोग Xiaomi के MIA3 के स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली MIA3 एक ऐसा सीरीज है जहाँ पे वो खुद का UI डिच करके Android 1 पे स्मार्टफोन्स रन करते हैं। इसके अलावा ऑफकोर्स ये स्मार्टफोन्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज चल रहे हैं मार्केट में। हम लोग ने रिसेंटली देखा, मैंने भी एक वीडियो बनाया था कि Xiaomi MI9X के बारे में मार्केट में लीक्स एंड रूमर्स आ चुके हैं, बट ऐसा स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि जो MI9X है उसको
रिब्रांड करेंगे एंड वो स्मार्टफोन को एज MI A3 इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, जहाँ पे उसका प्राइस रेंज करीबन 17,000 के आसपास सेट किया जाएगा। उसके अलावा इसके कुछ फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन में इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट डिस्प्ले रहेगा। उसके अलावा यह स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर रहेगा। एंड कैमरा फ्रंट पे बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि स्मार्टफोन के रेयर पैनल में 48 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर रहेगा। एंड ये स्मार्टफोन भी करीबन April 3rd week या April एंड तक इंडिया में ऑफिशियल हो जाएगा। बट स्टिल इट इज़ अ मिस्ट्री कि यह स्मार्टफोन कौन से नेम के अंडर लॉन्च होने वाला है। A3 भी लॉन्च हो सकता है, 9X के होने के चांसेस थोड़े कम है। तो फ्रेंड्स, ये थे ओवरऑल लिस्ट ऑफ स्मार्टफोन्स जो कि अप्रैल 2019 में इंडिया में ऑफिशियल हो जाएंगे। तो लेट्स वेट एंड वॉच, बिकॉज हर एक स्मार्टफोन की एक्चुअल कंफर्मेशन डेट बाकी है कि कौन से डेट पे इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं, बट डेफिनेटली ये मंथ के अंदर तो लॉन्च हो ही जाएंगे। एंड इसके अलावा इफ़ यू फील दैट आई हैव मिस्ड आउट एनी स्मार्टफोन जो कि अप्रैल 2019 में लॉन्च होने वाला है, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो बस फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपकमिंग स्मार्टफोन्स के बारे में इतना ही था। एंड अगर आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टेक जर्नी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।